Hello everyone. In this video we will discuss about the nervous tissues of the topic animal tissue. This is the last topic of the animal tissue. Now we will discuss about the nervous tissues. Nervous tissue जो होता है वो हमारा किससे मिलकर बना है? नर्व से मिलकर बना है, नर्व सेल से मिलकर बना है. नर्व सेल्स एग्रीगेट होके क्या बनाती हैं? नर्वस टिश्यू. तो इनकी जो सेल्स होती हैं नर्वस टिश्यू की वो कहलाती हैं नर्व सेल्स कहलाएंगी, या फिर हम इसको न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं हम. तो न्यूरॉन्स काफ़ी सारे मिलकर, नर्व सेल्स काफ़ी सारे मिलकर एग्रीगेशन बनाकर क्या बना लेते हैं? नर्वस टिश्यूज बना लेते हैं. तो हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी के जितने भी नर्व्स हैं, दे आर ऑल कम्पोज ऑफ नर्वस टिश्यूज. सारे नर्वस टिश्यूज कंपोज करते हैं ये. तो अब हमारी जो भी सेल्स है हमारी बॉडी में, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करें. मतलब कि अगर हम कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं या हम कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट वो क्या है? स्टिमुलाई है. तो हमारी जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो ये सेल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या कर रही हैं? उनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रही हैं. किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई हॉट प्लेट अगर हम अपने हैंड से टच करते हैं तो हमारा हैंड क्या है? हमारा हैंड रिस्पॉन्ड है, और जो हम हॉट प्लेट को टच कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई. तो हमारी जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं? वो मैसेज को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं हमारे ब्रेन तक, देन स्पाइनल कॉर्ड. तो ये सब, ये जो वर्क हो रहा है, ये सब किसके थ्रू होता है? बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू. हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी चीज़ को, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हम किस वजह से करते हैं? बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यूज की वजह से करते हैं. तो हमारी जो नर्वस टिश्यू की जो हमारी सेल्स होती हैं, ये इतनी स्पेशलाइज्ड होती हैं और इतनी स्टिमुलेटेड होती हैं कि ये इस स्टिमुलस को बहुत ही रैपिडली एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ट्रांसफर कर देती हैं. क्योंकि ये जो वर्क होता है, ये हमारा जो हम किसी भी स्टिमुलाई को टच करते हैं या हम रिस्पॉन्ड करते हैं हम किसी को भी, तो ये जो वर्क होता है ये एकदम इतना फास्ट होता है कि सेकंड्स का वर्क होता है. तो जो भी मैसेज होगा वो हमारी सेल्स कहाँ पर देंगी? हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज देती हैं, फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस मैसेज का. तो दिस इज ऑल अबाउट द ये सब किससे होता है? दिस इज ऑल फॉर द नर्वस टिश्यूज. तो नर्वस टिश्यू अब बना हुआ है, अभी मैंने बताया, दैट इज न्यूरॉन से बना हुआ है. तो काफ़ी सारी न्यूरॉन्स होती है हमारी बॉडी में, उससे मिलके ये नर्वस टिश्यू बनता है. तो अगर हम एक न्यूरॉन का डायग्राम देखेंगे तो उसमें एक सेल बॉडी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. फिर उस सेल बॉडी में ही एक लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्सन कहते हैं. और इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दैट इज, मतलब जो सेल बॉडी है वहाँ पर ही कुछ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं. उन्हें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं डेंड्राइट्स. तो एक नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग होती है. तो ये जो हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था, हमने ये तब बताया था कि जो हमारी बॉडी होती है, जो ह्यूमन की बॉडी होती है, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? दैट इज नर्व सेल. तो नर्व सेल किसी भी इंडिविजुअल की जो नर्व सेल होती है वो 1 मीटर लॉन्ग होती है. मतलब दैट मीन्स इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग. सो बहुत सारी नर्व फाइबर एक साथ बाउंड होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज के साथ, और हमारी एक पूरी नर्व बनाती हैं, दैट इज नर्वस टिश्यूज बनाती हैं. नाउ अगर हम डायग्राम देखेंगे, देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ द नर्वस टिश्यूज. तो ये नर्वस टिश्यू का डायग्राम है. ये क्या कंसिस्ट कर रहा है? इट इज द सेल बॉडी. इस सेल बॉडी के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है विच इज जेली लाइक, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. और कुछ यहाँ पे ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम निजल्स ग्रैन्यूल कहते हैं. ये देख रहे हैं आप, ये जो सेल बॉडी है हमारी, इस सेल बॉडी से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सन. फिर इस एक्सन के नीचे ये कुछ नर्व एंडिंग्स हैं जहाँ पे ये मैसेज ट्रांसमिट होता है. तो अब ये जो सेल बॉडी है, इसके सेल बॉडी में ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं. तो जितना भी मैसेज है वो ये डेंड्राइट्स लेते हैं और इस पूरी बॉडी में वो रहता है, देन इट जो भी मैसेज होता है, जो भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो फिर कहाँ जाता है, वो इस एक्सन से ट्रेवल होके यहाँ नर्व एंडिंग तक जाता है। एंड देन यहाँ पे ये कुछ आपको नॉब्स दिखाई दे रहे हैं, दिस आर कॉल्ड सिनेप्टिक बटन्स। तो ये सिनेप्टिक बटन्स में यहाँ पर मैसेज जाता है। फिर जब यहाँ पे मैसेज जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, फिर वो केमिकल्स के थ्रू ही जो भी मैसेज होता है वो ट्रांसमिट होता है और हमारे मसल्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, इसी तरीके से इसके नीचे और फिर एक और न्यूरॉन होगा, देन एक और होगा, तो इस तरीके से पूरी एक ब्रांच चलती रहती है। तो दिस इज द न्यूरॉन। अब ये जो मैसेज हमारा आ रहा है दैट जो भी स्टिमुलाई है, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट इज हॉट और कोल्ड, तो वो हमारी सेल्स रिस्पॉन्ड कर रही है। तो वो किस फॉर्म में अंदर आ रहा है, नर्व इम्पल्स। ये जो जहाँ पे जो मैसेज आएगा अंदर, ये किस फॉर्म में आएगा, इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स की वजह से ही हमारी मसल्स जो होती हैं वो मूव करती हैं जब भी हम चाहते हैं। तो फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है यही एनिमल्स को क्या करता है, रैपिडली मूव करने में हेल्प करता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो अगर स्टिमुलाई है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, तो इसका मतलब हम क्या है, कॉन्शियस हम महसूस करते हैं। अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे किसी भी स्टिमुलाई को तो क्या होगा, हम अनकॉन्शियस कहलाए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यू किससे मिलके बना है, न्यूरॉन से मिलके बना है, ये नर्व सेल से मिलके बना है। एक न्यूरॉन का अगर हम डायग्राम देखेंगे तो इस तरीके का होता है। वो जो भी डेंड्राइट्स होती हैं वो मैसेज लेती हैं, फिर वो मैसेज कहाँ ट्रांसफर होता है, एक्सन से इस नर्व एंडिंग तक आता है। तो इसी तरीके से ये एक पूरी ब्रांच है, ये एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। इस तरीके से और भी नीचे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, वो एक पूरी तरीके का नर्वस टिश्यू बनाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर टिश्यूज। If you like the video, then subscribe it and like and share it